Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंड्स अगर आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर अर्निंग एट रिस्क ये एरर आ रही है तो आप इसे किस तरीके से दूर करें और ये एरर आपके अकाउंट के अंदर क्यों आ रही है, क्या रीज़न है इसका। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। फ्रेंड्स सबसे पहले यह एरर इसलिए आती है अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग है जिसको आपने मोनेटाइज कर रखा है एडसेंस के थ्रू और आपने उसके अंदर Ads.txt फाइल नहीं बना रखी है तो आपके पास यह एरर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ओनली यूट्यूब चैनल है तो आपके पास यह एरर नहीं आएगी। यह एरर उन्हीं के पास आएगी जो किसी वेबसाइट के या फिर ब्लॉग के ओनर है और वो अपने वेबसाइट या ब्लॉग को मोनेटाइज कर रखें एडसेंस के थ्रू। अब फ्रेंड्स हमें सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि वर्डप्रेस के थ्रू हम इस एरर को कैसे रिमूव करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करके प्लगइन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सर्च बार के अंदर डालना है Ads.txt मैनेजर। तो यह सर्च करने से हमारे सामने ग्रीन कलर के आइकन का प्लगइन आ जाएगा Ads.txt मैनेजर। इस प्लगइन को हमें डाउनलोड कर लेना है, यह हम यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह जैसे ही हमारे वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यह प्लगइन हमारे वर्डप्रेस की जो साइट है वहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। हमारे सामने इसके एक्टिवेट का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे Ads.txt के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो मैनेज Ads.txt नाम की एक फाइल आ जाएगी है फ्रेंड्स, उस प्लगइन के थ्रू चल रहा है हमारा पूरा, तो इसलिए हमें प्लगइन डाउनलोड करना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे एडसेंस के अंदर जाके जो एरर आ रही है वहाँ पर लर्न मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक गूगल का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर नीचे उन्होंने कोड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यह मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एडसेंस के अंदर हम यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर क्लिक करके अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसके तो यहाँ पे लोडिंग चल रही है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे वर्डप्रेस के अंदर है जो हमने वो कोड अभी कॉपी करे थे वो कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पब के सामने जो 000 आ रहे हैं उसे हम यहाँ पे हमारी जो पब्लिशर आईडी एडसेंस अकाउंट की उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे एडसेंस अकाउंट की पब्लिशर आईडी को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया मैंने Ads.txt के जो एडिटर उसके अंदर हम इसे पेस्ट करके सेव कर देंगे। अब फ्रेंड्स सेव करने के बाद हमारे वर्डप्रेस के थ्रू हम इस तरीके से इस एरर को दूर कर सकते हैं एक प्लगइन के थ्रू। अब मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट को ओपन करके बता देता हूँ। मेरी साइट को मैंने मेरी साइट को ओपन करा और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसे स्लैश लगा के Ads.txt लिख के हम इसे लोड करेंगे और आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो कि आपकी ये फ़ाइल बनी कि नहीं बनी। और आप देख सकते हैं यह फाइल मेरी बन चुकी है। अब फ्रेंड्स सेकेंड मेथड है कि आप मैन्युअली किस तरीके से करें विदाउट वर्डप्रेस के, तो फ्रेंड्स उसका भी एक सिंपल तरीका है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे सी पैनल के अंदर लॉगिन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स सी पैनल में लॉगिन करने के बाद अब हमें हमारे पीसी के अंदर नोटपैड को ओपन करना है और ये मैंने यहाँ से नोटपैड को ओपन किया। ओपन करने के बाद वो जो कोड थे हम यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो 00 वाले कोड है इसे हम हमारे यहाँ पे पब्लिशर आईडी के साथ रिप्लेस कर देंगे। मैंने पब्लिशर आईडी को कॉपी करा और 00 को हटा के यहाँ पे पब्लिशर आईडी पेस्ट करके इस फाइल को हमें सेव करना है Ads.txt के नाम से। इस फाइल को हम सेव कर देंगे और ये मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो हमारे सी पैनल है सी पैनल के ऊपर हम अगेन क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। अब फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो भी हमारी साइट है उसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी। हमें यहाँ पे पब्लिक HTML के फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। ये हम पब्लिक HTML के फोल्डर में चले गए। अब हमें यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स हम सिलेक्ट फाइल करके जो हमारी Ads.txt वाली फाइल है उस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब फ्रेंड्स और ये मैंने डेस्कटॉप पे गया और जाने के बाद ये मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मैन्युअली भी और वर्डप्रेस के थ्रू भी इन दोनों तरीकों से हमारी जो अर्निंग एट रिस्क की जो आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर एरर आ रही है एरर दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये फाइल को यहाँ पे अपलोड करने के बाद यह एरर आपके 24 से 48 घंटे के अंदर रिमूव हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।